तो फ्रेंड्स, YouTube से जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अचीव किया है मेरी YouTube जर्नी पे, जितना दिन मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो क्या है। और जो भी मेरी फीलिंग्स इतने दिन से मेरे अंदर, तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ और पहले भी बहुत खुश थी। तो इस चीज़ को लेके मैं कभी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया या फिर कभी भी कैमरा के सामने इस चीज़ को नहीं बोला है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए इस बात को। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाली हूँ, बस छोटी सी वीडियो होने वाली है, बट मेरे दिल के बहुत ही करीब जो बात है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हो तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, मेरी यूट्यूब जर्नी करीबन 3.5-4 साल हो गए होंगे, बट मैं पहले बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, और इस चीज़ को मैं सीरियसली नहीं ली थी, बस एज अ हॉबी। मुझे जब कुछ भी शेयर करनी होती थी जो मुझे लगता था हाँ मेरे एक भी लोग देखेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो कभी कभार हफ्ते में 2 हफ्ते में एक वीडियो, छोटा सा वीडियो, मेरे पास जो भी पेट्स हुआ करते थे वो मैं शेयर करती थी। और जैसे जैसे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मेरी वीडियोस पसंद करने लगे, तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिली कि मेरी वीडियोस कोई पसंद कर रही है, मेरी वीडियोस कोई देखना चाहती है, कमेंट करती है, तो इस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होने लगी और बाद में मैं सीरियस हुई। लेकिन बीच में मैंने 6-7 महीने की गैपिंग भी देती थी, मतलब रेगुलर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड नहीं करती थी। और अभी भी मैं हॉबी को ही, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरी हॉबी है, और यही मेरी काम का भी है, हॉबी के साथ साथ ये मेरी काम भी है। तो जो भी हो गाइस, पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स ना जैसे जैसे बढ़ रहे थे, मेल सब्सक्राइबर्स ज़्यादा थे, 90% मेरे सब्सक्राइबर्स मेल थे, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म में यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आई हूँ ना, एज अ पेट्स लवर ही आप लोग पहचानते हो, और ज़्यादातर यूट्यूब में जो भी कोई देखते थे सारे मेल जो सब्सक्राइबर होते हैं, मेल फॉलोअर्स होते हैं, जिनके पास मेल, जो मतलब लड़कों के पास ही ज़्यादातर पेट्स होती है ना, ये अभी इस चीज़ को मैं लेके कुछ बात करने वाली हूँ, पहले क्या थे और अभी मुझे क्या दिखने को मिली है, वो रिजल्ट मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बहुत ही कम परसेंट मेरे चैनल पे मेल फीमेल सब्सक्राइबर थे, करीबन 4-5% होंगे, वो भी नहीं। तो ज़्यादातर मेरे यूट्यूब के थ्रू जो सारे फ्रेंड्स बने थे, यूट्यूबर फ्रेंड्स भी बने थे, मेरे घर के फ्रेंड सर्किल जो भी पहचान में थे, तो सभी कहते थे अरे तुम अगर व्लॉग बनाती, मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती तो शायद तुम्हारे फीमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ते, बट ये जो तुम चीज़ कर रहे हो ना, जो तुम्हारा हॉबी है, वो मेल ही ज़्यादातर देखेंगे। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं खटकती थी, ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे वीडियो कोई देख रही है चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे देख के कोई पेट्स रखने की शौक कर रही है, अच्छे से हेल्दी डाइट दे रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था अगर मेरे जैसे और भी मुझे फीमेल पेट्स लवर मिलते मेरे चैनल के थ्रू तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियोज़ डालती गई, वीडियोज़ बनाती गई, बहुत सारे मेरे फीमेल जो सारे पेट्स लवर है जिनके पास रैबिट्स है, बर्ड्स है, डॉग है, हाँ फीमेल्स डॉग रखते हैं बट बर्ड्स के उतना ज़्यादा शौकीन या फिर रैबिट्स की शौकीन मैंने बहुत कम देखी है। अभी तो फिलहाल बहुत कोई अपने पास रख रहे हैं, वीडियो में भी सामने शेयर कर रही है, बट पहले वैसे नहीं थे, बहुत कम सब्सक्राइबर्स मेरे फीमेल थे, तो सभी कोई बोलते थे कि फीमेल तुम्हारे चैनल पे कम सब्सक्राइबर्स है, तुम जिस जगह पे मतलब जो शेयर कर रहे हो उधर पे मेल सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है। तो बाद में जैसे जैसे मुझे इस चीज़ का मतलब वीडियो बनाती गई, और ऐसा मैं कभी भी रियलाइज़ नहीं होने दी कि फीमेल कभी बर्ड्स नहीं रख सकती या फिर रैबिट नहीं रख सकती। पहले तो मेरे पे जब मेरे बर्ड्स के सेटअप में 150-200 बर्ड्स थे ना, मेरी मम्मी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं थे कि कलर की हो के इतना ये इन सब के पीछे टाइम देना, ये वो, उससे अच्छा है तुम पढ़ाई में ध्यान दो या फिर खुद के ऊपर टाइम दो, तो वो मम्मी पसंद करते थे। बट जो भी हो, धीरे धीरे मम्मी को भी शौक लग गए थे, पापा तो ऑलवेज मेरे सपोर्ट में थे क्योंकि पापा भी एक पेट्स लवर, एनिमल लवर थे बचपन से ही, तो वही जो एक चीज़ ना मेरे अंदर भी आ गई है। तो जो भी हो, धीरे 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 अभी जो 3-4% मेरे फीमेल सब्सक्राइबर फॉलोअर्स थे, अभी मेरे चैनल पे करीबन 41-45, मैंने हर मैंने जो है ऐसे बढ़ते रहते हैं, थोड़ी सी कम होते रहते हैं जैसे जैसे परसेंटेज होते हैं। तो इस चीज़ को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से मुझे सुकून मिलती है, मुझे लगता है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैंने अचीव किया है ना, तो ये फीमेल जो मेरी सब्सक्राइबर एज अ पेट लवर मुझे मिली है, मुझे मेल करती है, कमेंट करती है कि दी मेरे पास भी पेट्स हैं, मैं भी ऐसे रखती हूँ आप जैसे बोलते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेल के साथ साथ फीमेल भी पेट्स लवर बहुत है, ऐसा नहीं है कि मेल ही है, जिस चीज़ का गलत फहमी हम लोगों के अंदर थे ना कि मेल लोग ही ज़्यादातर
मतलब पालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फीमेल भी बहुत कोई कैमरा के सामने भी आते हैं, पालते भी है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को देख के। तो मुझे लगा इस छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये जानने के बाद आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, आप लोगों का भी थॉट्स मुझे जानना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। और आप लोगों का थॉट्स मुझे, आप लोगों को ये वीडियो देख के क्या मतलब आइडिया आइए, थॉट्स आइए कमेंट करके बताना, ठीक है। बाय, सी यू।